हेलो गाइस, वेलकम टू द मोमेंटम ट्रेडर्स। टुडे इज द सेवेंथ वीडियो ऑफ मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 का आज है सातवां वीडियो है। सो एक आज के जो पांच स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, नंबर वन स्टॉक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, क्या सच में एक मोमेंटम मिलने वाला है? एक होटल इंडस्ट्री में एक अच्छा एक पॉजिटिव बुलिश ट्रेंड होने वाला है। विल दैट बेनिफिट द डेल्टा कॉर्प लिमिटेड स्टॉक एज इट इज गोइंग टू बी द नंबर वन स्टॉक फॉर टुडे? क्या सच में एक बेनिफिट हो सकता है डेल्टा कॉर्प के लिए? जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। एंड बिफोर गोइंग टू ऑल दोस फाइव स्टॉक्स, उन पांच स्टॉक्स के बारे में एक डिस्कस करने से पहले हम एक मोमेंटम के बारे में एक थोड़ा सा हम जान लेते हैं। फॉर दिस स्टॉक, द स्टॉक इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच वी ऑल्सो नोन एज PFC। तो एक यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्टॉक ने बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन फेज में ही चले आ रहा था, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2017 2017 से लेके अक्टूबर 2022 तक। ओके, एक चार से पांच साल तक ये स्टॉक कंसोलिडेशन में ही चले आ रहा था। इवन इन द पैनडेमिक, जो एक पैनडेमिक का एक पीरियड था, उस वक्त भी एक स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। द स्टॉक वॉज स्टिल ट्रेडिंग इन टू द कंसोलिडेशन, एक कंसोलिडेशन फेज में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। कोविड के वक्त भी ये स्टॉक ने एक बुलिश रैली नहीं दी थी और उसी का एक नतीजा आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक स्टॉक ने एक बहुत ही एक एक्सप्लोसिव बुलिश रन यहाँ पे दिया था। आप अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक करीबन करीब आप कह सकते हो मोर देन 200% आपको रिटर्न मिला है एक एक साल के ही ड्यूरेशन में। विद इन द स्पैन ऑफ 12 months, एक 12 महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने 200% का रिटर्न दिया। ओके, यू कैन जस्ट अज्यूम इट लाइक आपका पोर्टफोलियो एक 2 times हुआ है विद इन द स्पैन ऑफ एक 2 साल में। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर पाते एट द प्राइस ऑफ 82, तो डेफिनेटली आपका करंट पोर्टफोलियो वुड बी मोर देन 200%, आपको 200% गेन मिल जाता, इन्वेस्टमेंट गेन मिल जाता। एक साल के ही स्पैन में इतना रिटर्न ये स्टॉक ने दिया था। एंड वी कैन सी इट इन द ऑन द स्क्रीन गाइज कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मोमेंटम का। कि एक मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि जितना स्टॉक कंसोलिडेशन में रहता है, द मोर द स्टॉक इज इन टू द कंसोलिडेशन, उतना ही हमें बेनिफिट होता है। जस्ट वी नीड टू बी टेक्निकली श्योर, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमें एक श्योरिटी चाहिए कि एक ट्रेंड स्टॉक कौन से तरफ देगा, एक अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा या डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ मोमेंटम। लेट्स स्टार्ट विद ऑल दोस फाइव स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 विच इज इप्का लैब्स लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा ग्राफ इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने बिफोर कोविड इटसेल्फ, कोविड के पहले ही एक स्टॉक एक अपवर्ड रैली में ही था। इफ यू लुक ईयर, एक सितंबर 2017 से ही स्टॉक ने करीबन करीब आप देख सकते हो कि विद इन द स्पैन ऑफ 5 years, एक 5 साल के ही ड्यूरेशन में आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक करीबन करीब 500% रिटर्न दिया। सॉरी, आई वुड लाइक टू करेक्ट हियर, विद इन द स्पैन ऑफ 4 years, एक 4 साल के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने 5 times आपका पोर्टफोलियो बढ़ा के दिया। एंड इफ यू लुक आउट हियर, जितना एक ट्रेंड स्टॉक ने दिया था, डेफिनेटली उसका एक 50% रिकवरी यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। द स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चला गया था फ्रॉम सितंबर 2021, सितंबर 2021 से ही स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चला गया था। एंड आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हो कि एक स्टॉक ने जो एक अप ट्रेंड बनाया था, एक उसी का एक 50% के आसपास एक रिट्रेसमेंट लिया है। एंड रिसेंटली अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ट्रेंड को एक ब्रेक या फिर एक रिवर्सल देने के लिए इसी स्टॉक ने एक उसी डाउन ट्रेंड के एक बॉटम को एक हैमर कैंडल क्रिएट किया था यहाँ पे। ओके, एंड एज वी ऑल नो, हमें जैसे एक टेक्निकली इंडिकेट होता है कि जब भी हैमर कैंडल मार्केट या फिर एक स्टॉक क्रिएट करता है, डेफिनेटली एज पर द इंडिकेशंस और द पैरामीटर्स ऑफ द कैंडल जहां पे वो क्रिएट होता है, डेफिनेटली एक उसी पैरामीटर के हिसाब से स्टॉक डेफिनेटली एक बाउंस बैक जरूर देता है या फिर एक रिवर्सल उस बिहेवियर के हिसाब से जरूर वो ट्रेड करने की कोशिश करता है। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 4 महीने से ही स्टॉक ने एक करीबन करीब यहाँ पे मोर देन 36% रिटर्न दिया है। 36% से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट गेन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टॉक ने दिया था। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक अपवर्ड ट्रेंड में जरूर जाने की कोशिश करेगा। एंड द टारगेट, एक टारगेट स्टॉक को डेफिनेटली एक 1130 के आसपास जरूर रहेगा स्टॉक का टारगेट।
द रीजन इज लाइक कि एक इमीडिएट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन रेंज में ही स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। एक मल्टीपल टाइम इसी प्राइस रेंज को स्टॉक ने टेस्ट करके रिवर्सल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हायर प्राइस जरूर क्रिएट किया था यहाँ पे स्टॉक ने, बट उसके बाद एक स्टॉक ने इमीडिएटली एक रिजेक्शन दिया, फिर से उसी प्राइस को मल्टीपल टाइम टेस्ट करके एक स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट दिया है। सो डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से 1130 के आसपास फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स अगर इस टारगेट तक होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली दे कैन गेन रिटर्न ऑफ 20 to 21%, एक 20 से 21% का एक इन्वेस्टमेंट गेन इन्वेस्टर्स को मिल सकता है विद इन द स्पैन ऑफ 7 to 8 months। स्टॉक डेफिनेटली 1130 से 1135 के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ओके सो ये हो गया हमारा स्टॉक नंबर 5। अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 4 की, जो है द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ रैमको सीमेंट्स लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक रिसेंटली कोविड के वक्त डेफिनेटली स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया था। इफ यू कैलकुलेट हियर एक 15 से 16 महीने में ही स्टॉक ने एक मोर देन 100% रिटर्न यहाँ पे दिया था। ओके लेस देन 1.5 ईयर्स स्टॉक ने करीबन करीब आपको 150% का रिटर्न यहाँ पे दिया। और उसके बाद आप देखेंगे कि स्टॉक ने यही पे एक मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ पे ट्रेड एक उसी प्राइस रेंज पे ट्रेड करने के बाद स्टॉक ने एक रिजेक्शन जरूर दिया था। मोर देन 80% स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट जरूर दिया था, एक डाउनफॉल 80% के आसपास करीबन करीब आपको यहाँ पे दिया था स्टॉक ने। और डेफिनेटली आप देखेंगे कि उसी एक रिवर्सल को एक डाउन ट्रेंड को स्टॉक ने एक रिवर्सल यहाँ पे दिया है। नियर अबाउट आप कह सकते हो कि मोर देन 50% यहाँ पे स्टॉक ने इसको रिकवरी दी है। ओके एंड दिस वाज द पास्ट ऑफ द हिस्ट्री, एक स्टॉक की पास्ट की हिस्ट्री हम देख ली है। अभी आप करंटली यहाँ पे आप देखेंगे द रिसेंट सिनेरियो ऑफ द स्टॉक, एक रिसेंट सिनेरियो आप इस स्टॉक का देखेंगे तो एक लॉन्ग कैंडल जो स्टॉक ने क्रिएट किया था इन द मंथ ऑफ मे, एक करीबन करीब आप 22 to 23% का एक इन्वेस्टमेंट गेन स्टॉक ने देने के बाद एक जरूर एक रिट्रेसमेंट या फिर एक कंसोलिडेशन में स्टॉक जाने की जरूर कोशिश की थी। अगर आप देखेंगे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट स्टॉक ने एक डेफिनेटली एक लो क्रिएट किया था, एक 827 के आसपास एक लो क्रिएट करने के बाद स्टॉक ने एक फिर से 867 को एक अपर वैल्यू को एक क्लोजिंग दी थी। और डेफिनेटली इसने एक इंडिकेट किया एक हैमर कैंडल को। और इफ यू लुक टू द रिसेंट मंथ ऑफ सितंबर, स्टॉक ने डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल क्रिएट की थी यहाँ पे और एक करीबन करीब 5% का एक पॉजिटिव रैली यहाँ पे, एक ओपनिंग टू क्लोजिंग एक 5% की पॉजिटिव रैली यहाँ पे स्टॉक ने दी थी। एंड डेफिनेटली आप कह सकते हो कि स्टॉक एक हायर वैल्यू के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एज वी ऑल नो ईयर 1120 के आसपास आप यहाँ पे एक स्टॉक ने मल्टीपल टाइम एक टेस्ट किया था इस प्राइस रेंज को। सो डेफिनेटली स्टॉक फिर से उसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स इस टारगेट तक होल्ड करते ही उनको एक 22 से 23% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली गेन अ रिटर्न ऑफ 22 to 23% फॉर द ड्यूरेशन फॉर द टारगेट ऑफ 1120। ओके सो एक 7 से 8 महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक एक फिर से 1120 के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा और एक इन्वेस्टर्स को 22 से 23% का रिटर्न मिल सकता है इन द फॉर्म इन्वेस्टमेंट। ओके सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 4 की। स्टॉक नंबर 3 जो हम डिस्कस करने वाला है वो है श्री सीमेंट्स लिमिटेड। सो गाइस ये रहा ग्राफ श्री सीमेंट्स लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम में आप कह सकते हैं कि ट्रेड जरूर किया था। एक नियर अबाउट एक एवरी मंथ स्टॉक ने एक 16 to 17% एक मूवमेंट देने की जरूर कोशिश की है। इट माइट बी पॉजिटिव या नेगेटिव बट डेफिनेटली एक मूवमेंट जरूर देने की कोशिश की थी। इन द मंथ ऑफ द कोविड आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्टॉक ने करीबन करीब आप कह सकते हो कि एक विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर, ओके एक साल के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक 100% रिटर्न दिया था। ओके मतलब आपका पोर्टफोलियो डबल किया था इस स्टॉक ने विद इन द स्पैन ऑफ एक साल के ही ड्यूरेशन में स्टॉक ने उसकी वैल्यू जो एक ट्रेड कर रहा था, एक लो वैल्यू जो क्रिएट कर रहा था, उसी के एक डबल वैल्यू पे स्टॉक ने एक 12 महीने में ही एक उसी वैल्यू पे ट्रेड किया था। ओके एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एक हायर वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट किया था 32,000 के आसपास, डेफिनेटली एक उसी को एक रिवर्सल स्टॉक ने दिया यहाँ पे एक मोर देन 70%। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिजेक्शन स्टॉक ने दिया था एक अपवर्ड ट्रेंड के ही 70%, एक डाउनवर्ड वैल्यू के आसपास स्टॉक ने एक लो या फिर एक लोअर साइड पे ट्रेड किया, एक डबल एक आप कह सकते हो कि उसी प्राइस रेंज पे एक स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स एक ट्रेड किया। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक ने फिर से उसी एक डाउन ट्रेंड को एक रिजेक्शन जरूर एक रिवर्सल जरूर दिया था यहाँ पे एक नियर अबाउट आप कह सकते हो कि 50% यहाँ पे एक बाउंस बैक जरूर दिया था स्टॉक ने। एंड फिर लुक करेंटली हियर स्टॉक फिर से एक कंसोलिडेशन में ही चला गया था एक फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च 2023। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे क्रिएट किया था जहां पे स्टॉक एक हायर वैल्यू जो एक स्टॉक की है उसी को एक मल्टीपल टाइम टेस्ट करके डेफिनेटली स्टॉक एक लोअर वैल्यू के ही ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक पिछले सात
6 से 7 महीने में ही स्टॉक उसी प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे कि एक पिछले 2 महीने में स्टॉक ने एक जो नेगेटिव क्लोजिंग पिछले महीने में दी थी, एक अगस्त महीने में दी थी, उसी को एक रिकवरी की थी स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। करीबन करीब आप 7% का एक क्लोजिंग दिया था, पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था। डेफिनेटली द स्टॉक गेव अ गुड हाई, एक 27,000 के आसपास एक हाई क्रिएट किया था स्टॉक ने, बट एक 25,000 के आसपास, 25,500 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक जो 50% रिकवरी स्टॉक ने दिया है, तो एक 7 से 8 महीने के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक फिर से 31,516 के आसपास, मतलब एक 31,500 के आसपास फिर से स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक को में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 31,500, तो एक उनको 23-24% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। ओके, एक 7 से 8 महीने के ही स्पैन में, एक ड्यूरेशन में डेफिनेटली स्टॉक फिर से एक 31,500 के आसपास फिर से एक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। और इन्वेस्टर्स इस टारगेट तक होल्ड करते ही उनको एक 23-24% का एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल सकता है इस स्टॉक में। ओके, सो ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 3 की। अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 2 की, जो है वेदांता लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ वेदांता लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि इन द मंथ ऑफ कोविड, कोविड के वक्त एक स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एक अप्रैल 2020 से स्टॉक ने करीबन करीब आप देख सकते हो कि विद इन द स्पैन ऑफ सिक्स एक 12 months, ओके सॉरी विद इन द स्पैन ऑफ 2 years, एक 24 बार, मतलब एक विद इन द स्पैन ऑफ 2 years आप देख सकते हो कि स्टॉक ने आपको करीबन करीब 600% का रिटर्न आपको इस स्टॉक ने दिया था। ओके, ये है अभी एक स्टॉक का 2 से 3 साल पहले का एक रिसेंट परफॉर्मेंस। स्टॉक ने एक आपको 6 times आपको पोर्टफोलियो बना के दिया था इस स्टॉक ने। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि स्टॉक ने एक डाउनफॉल जरूर दिया था, एक जो अपट्रेंड स्टॉक ने क्रिएट किया था उसी का एक 50% वैल्यू के आसपास एक रिटर्समेंट दे के स्टॉक उसी प्राइस रेंज पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे कि एक स्टॉक ने जो लो क्रिएट किया है 2 से 3 बार, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक उसी प्राइस रेंज पे 3 times मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट लिया है। उससे पहले भी एक स्टॉक ने उसी प्राइस रेंज को टच करके एक डेफिनेटली एक बाउंस बैक जरूर दिया है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग ये स्टॉक शायद एक उसी सपोर्ट रेंज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो एक बाउंस बैक जरूर देगा ये स्टॉक। एक अपवर्ड ट्रेंड या फिर एक इमीडिएट टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स शुड एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 301, एक 300 से 301 के आसपास एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। एक उसी रेंज के आसपास, शायद एक नजदीकी टारगेट के आसपास स्टॉक फिर से एक रिवर्सल देने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स 300 तक के टारगेट को होल्ड करते ही उनको एक 34-35% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। एक 34-35% का एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न उनको स्टॉक में मिल जाएगा अगर इन्वेस्टर्स 300 के टारगेट के लिए होल्ड करते हैं। ओके, सो ये हो गई हमारी बात स्टॉक नंबर 2 की। अभी हम बात करेंगे स्टॉक नंबर 1 की, जो है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ डेल्टा कॉर्प लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक पिछले 3 महीने से ही स्टॉक ने एक बुलिश, एक बेरिश रैली दी है, कंटिन्यूस बेरिश रैली दी है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि नियर अबाउट एक 50% का एक डाउनफॉल स्टॉक ने दिया है यहाँ पे। ओके, एक करीबन करीब एक 50% का एक नेगेटिव एक डाउनफॉल दिया है स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली आपको एक बेनिफिट, इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट रहेगा कि शायद एक स्टॉक ने एक उसी मल्टीपल सपोर्ट जो इस प्राइस रेंज पे स्टॉक ने क्रिएट किया था, नियर अबाउट एक 130, एक 130 से 140 का ये जो प्राइस रेंज है उसी में ही स्टॉक ने एक मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और उसी के ऊपर स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बैक दिया है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिसेंट परफॉर्मेंस स्टॉक ने उसी प्राइस रेंज पे दिया था। इसी प्राइस रेंज पे यहाँ पे एक स्टॉक ने एक इन द ईयर ऑफ 2019 2019 में भी और फिर से 2021 में भी एक वही परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिया था। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसी प्राइस रेंज के आसपास एक सेप्टेम्बर मंथ में एक स्टॉक ने उसी प्राइस रेंज को क्लोजिंग दिया है एंड एक 133 का एक लो क्रिएट करके स्टॉक ने एक 142 के आसपास एक क्लोजिंग दी है। सो डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से एक जो डाउनफॉल क्रिएट किया था, एक जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने एक इमीडिएट बनाया था 260 के आसपास, उसी के आसपास स्टॉक फिर से एक उसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एक 7 से 8 महीने के ही ड्यूरेशन में स्टॉक फिर से उस प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड करेगा एंड इन्वेस्टर्स डेफिनेटली कैन गेन अ रिटर्न ऑफ 82-83% इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, एक 82-83% का एक रिटर्न्स आपको मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप 260 के टारगेट के लिए होल्ड करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर स्टॉक नंबर 1। ये आज के वीडियो की एक स्टॉक नंबर 1 का जो हम डिस्कशन करने वाले थे, दिस इज ऑल अबाउट आर स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो। बिफोर एंडिंग माई वीडियो, क्या सच में एक डेल्टा कॉर्प उस टारगेट के आसपास जाने की कोशिश करेगा? क्या होगी आपकी राय, कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। See you in the next video.
स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल का बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।